हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका लर्न किचन गार्डनिंग तो सब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है गार्डन ओवरव्यू। आज हम आपको गार्डन ओवरव्यू दिखाएंगे और साथ ही साथ सीड्स का अपडेट भी देंगे, और हमने जो अपना किचन गार्डन में मचान बनाया हुआ है उसका भी हम आपको अपडेट देंगे कि कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखें कि आप ये हमारा ये अभी गार्डन के ओवरव्यू में सबसे पहला ये गेंदा है, ये अभी चल रहा है, अभी कुछ दिन और चलेगा। बहुत अच्छी फ्लावरिंग थोड़ी बहुत होती रहती है। देखिए, सारे फूल हम तोड़ लेते हैं पूजा के लिए। देखें तो ये गेंदे का अपडेट है, साथ ही साथ ये लिली है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं थी न्यू, तो हमने इसकी कटिंग कर दी है। उसके भी आगे देखिए न्यू शूट्स कंद आ रही हैं, तो इसका भी हम आगे का फ्रेंड्स अपडेट देखेंगे। ये देखें आप लोग, है ना, तो ये इसका अपडेट है। इसके बाद हम आपको शमी, हमने एक रिपोर्ट की थी प्लांट, आपको उसका शायद वीडियो नहीं अभी आया होगा, तो उसका वीडियो हम डाल देंगे बहुत जल्दी। तो देखिए आप लोग, ये शमी का अपडेट है, कितनी बढ़िया इसकी फ्रेंड्स पूरी तरह से रूट्स नीचे सेट हो चुकी हैं। इसके बाद ये कुछ हमारा पॉर्चूला का अपडेट है, ये हमने सारे भी जितने भी आप लोग के छोटे पॉट्स होते हैं 10-10 इंच के, 4-6 इंच के, सभी में आप लोग ऐसे पॉर्चूला का लगा दें ताकि बहुत अच्छी फ्लावर। ये हमने तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते पहले लगाए थे, देखिए अभी सारे ही सेट हो गए हैं, बहुत अच्छा है। इनमें पानी का आप लोग विशेष ध्यान रखें, पानी कम दें, हफ्ते में 1-2 बार हमने भी अभी तक पानी दिया है, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, उससे अच्छा रहेगा। ये हमारा कुछ बेलपत्री का अपडेट है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो ये पॉर्चूला का अपडेट है। इसके बाद में ये गेंदा है, इसको भी हमको रिपोर्ट, इसमें भी हमें सॉइल प्रिपेयर करनी है। अब ये देखिए इधर पे भी गेंदा लगा हुआ है। अब ये फ्रेंड्स गेंदे के पौधे तो अब पूरे टर्न अप होने लगे हैं, येलो में और ब्लू में, मतलब कि अब ख़राब होने लगे हैं, तो अब हम बहुत जल्दी हटा देंगे जितने जो बचे हुए हैं। साथ ही साथ हम नए पौधे भी लगाते जा रहे हैं, अभी हम आपको आगे अपडेट में दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए बेलपत्री है, इनकी हमने पूरी कटिंग कर दी है, तो आप लोग देखें ये न्यू शूट्स आने लगे हैं पूरे में। फ्रेंड्स, ये आपको न्यू शूट्स दिखेंगे, ये देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं, अभी बहुत अच्छे इसमें शूट्स उग जाएंगे, न्यू शूट्स जितने भी हैं इधर इधर सबसे बहुत अच्छी फिर इसमें हमें बेलपत्री मिलने लगेंगी। ये देखें इसके बाद में तुलसी जी का अपडेट है, सारी तुलसी जी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। थोड़ा सा ये देखें, ये हमारी दूबा लगी हुई है, इसी में हमने गेंदे का पौधा शिफ्ट किया। तो ये फ्रेंड्स हमारे कम से कम 15 दिन हो गए होंगे इनको शिफ्ट करे हुए, हम आपको अपडेट अभी दे नहीं पा रहे थे, उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया इसका अपडेट। और ये देखें ये हिबिस्कस का पौधा है, जिसको कि हम लोग गुड़हल कहते हैं, तो देखिए उसमें पूरी पत्तियां जो पीली हो रही हैं उनको अब निकाल रहे हैं। इसकी आप लोग अभी कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मिट्टी थोड़ी बहुत निकाल के खाद पानी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बार अब खाद दे चुके हैं और कटिंग हमने पहले कर दी थी, तो अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। तो बस अभी तो बहुत अच्छा सीज़न स्प्रिंग का आ रहा है। और ये एक इधर पर गुलाब है हमारा नया, जो कि छोटे फूलों वाला था, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। बहुत जल्द न्यू शूट्स आ रहे हैं, और देखें इसमें भी एक गेंदे शिफ्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, ये गेंदे हमारे लगभग मार्च तक में आराम से खिलने लगेंगे। छोटे वाले गेंदे तो इनको गर्मी का ज़्यादा असर भी नहीं होता। ये देख ले आप, ये सदा सुहागन का अपडेट है, ये भी अब बहुत जल्दी अच्छे होने वाले विनका के प्लांट हैं, क्योंकि अभी हमने इनकी ऊपर से कटिंग कर दी, जो नीचे से न्यू शूट्स थे वो सब ग्रोंगे। आंवले का प्लांट है जो कि बड़े पॉट में लगा है, तो फ्रेंड्स बड़े पॉट में जो प्लांट रहते हैं उसके साइड में हम लोग ऐसे अगर छोटे प्लांट्स लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाती है, और वैसे भी सीजनल है। तो ये देखिए गेंदे के पौधे बढ़िया से लगा दिए हमने, 2 पौधे। साथ ही साथ इधर पीछे आप लोग देखें तो ये मीठी नीम है, मीठी नीम भी बहुत अच्छे से फ्रेंड्स ग्रो हो रही है, इसी में गेंदे का प्लांट भी लगा हुआ है, ये देख लें आप लोग। और इसके बाद ये हमारे कुछ जो हमने टमाटर लगाए थे बीच में, आपको दिखाया था वीडियोस का, तो ये देखें उन सभी में अब फ्लावर आने लगे। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी टमाटर आएँ तब भी आप इनको ऐसे ऐसे कर दें ताकि पॉलिनेशन हो जाए, सेल्फ पॉलिनेटिंग रहते हैं, लेकिन जो थोड़ा अगर नहीं हो पाता है तो वो हो जाता है। ये हमारा एक टमाटर का पौधा है, ये पुदीना है, इसको हम लोग बहुत जल्दी शिफ्ट करेंगे, देखते हैं करना है कि नहीं। ये जेट प्लांट है, इसको भी शिफ्ट करना है, बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत अच्छा है अपडेट जेट प्लांट का भी रिज़ल्ट। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गमले, आप लोग सोच रहे होंगे कि ढके हुए क्यों हैं, फ्रेंड्स इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट आएगा, तो अब फिर हम आपको उसका बताएंगे कारण, ठीक है। तो ये देख लें आप लोग, साथ ही साथ अगर हम आगे वाली लाइन में आपको दिखाएं तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भिंडी के कुछ पौधे हैं, ये जर्मिनेट होने लगे हैं, जर्मिनेट तो 3-4 और हुए थे लेकिन वो ख़राब हो गए पौधे, तो हमने फिर निकाल दिए। अभी हमने कल इसमें भी भिंडी की कुछ सीड सोइंग करी है, हमने आपको ये दिखा दिए, इसमें भी सीड सोइंग करी है, ये देखें आप लोग को, ये ऊपर ये सीड्स दिख रहे होंगे। तो ये इसमें जो भी सीड्स आपके ऐसे निकल आते हैं, इनको आप लोग ऐसे प्रेस करके
फिर दबा दे, और पानी डाल दिया था हमने। साथ ही साथ ये देखिए अब आप फ्रेंड्स, ये हमारा रोज़ का अपडेट है, इसमें बहुत अच्छे न्यू शूट्स आ गए। कुछ इसमें कमी हो रही है कुछ न्यूट्रिएंट की, तो हम पोटाश इसमें डालेंगे अब, और कैल्शियम के लिए थोड़ा बहुत चूना डाल सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए न्यू शूट्स आ रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अभी हमने इसकी पूरी कटिंग कर दी थी, ये आप देखिए अब आप इसमें दिख रहे बड्स दिखने लगी है। तो ये हो गया हमारा गुलाब का अपडेट फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम लोग इस तरफ में आए तो आप लोग ये देख ही रहे हैं सदाबहार टमाटर, कितने समय से फ्रेंड्स ये हमारे फ्लावरिंग करता ही जा रहा है, फ्रूटिंग करता ही जा रहा है। आप देखें कितने हेल्दी टमाटोज हैं, अभी बड़े होंगे, अभी तो इनने साइज़ नहीं लिया, देखिए पकते जा रहे हैं जैसे जैसे बड़े होते जा रहे। तो अभी तो ये एक टमाटर का पेड़ है, और कुछ उधर पर लगे हुए हैं और भी आगे लगे हैं। ये देखें ये टमाटर के पेड़ की थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है फ्रेंड्स, ठंड बहुत तेज़ थी, अभी बीच में फिर तेज़ हो रही है। तो ये देखिए टमाटर की थोड़ी सी, दो टमाटर तो सेट हुए लेकिन हालत ख़राब हो रही है पूरे प्लांट की। देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट रहता, नहीं तो फिर हम निकाल देंगे इसको। ये देखें ये गेंदे कितने बढ़िया जाफरी वाले हैं, खिल रही है। हमने फ्रेंड्स कटिंग से लगाए थे, जो नीम के प्लांट में ये लगा हुआ है ना गेंदा, ये देखें आप, है ना, इसी की हमने टूट गए थे तो कटिंग को इसमें लगा दिया था। दोनों कटिंग्स बहुत अच्छी बारिश में जम गई। तो अब आप देखें कितनी बढ़िया इसमें फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और देखिए ये अभी हमारे सारे हमने ग्रो बैग्स अपने पॉट्स जो भी जिनकी भी कंटेनर सॉइल तैयार है, तो ये सब हमने सब निकाल दिया है। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ ढक दिया है इसको मिट्टी प्रिपेयर करके, आगे जो भी अपडेट रहता है वो हम आपको शो करेंगे। तो अब हम आपको सीड्स का अपडेट दिखा दें। तो फ्रेंड्स ये देखें ये हमारा लौकी का प्लांट जर्मिनेट हुआ है, हमने बारिशों में कुछ पहले लगा दिया था, 15-20 एक महीने पहले लगभग आप मान के चले लगा दिया था। तो अब ये जर्मिनेट हो गया है और बड़ा हो गया। अब हम इसको फ्रेंड्स, ये कंटेनर तो हमारा बहुत छोटा है, ये तो एक पॉलीथीन है नॉर्मल, इसको हम लोग एक बोरी में शिफ्ट करेंगे, आज ही शाम को देखते कर देंगे क्योंकि अभी शिफ्ट करने के काबिल हो गया। तो बहुत अच्छी इसमें लौकी ग्रो होगी। तो ये लौकी का सीड है और इसको भी हमें कंटेनर को प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर हम आपको इस तरफ अपने सीड्स का अपडेट दिखाएंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लें कि ये हमारा ककड़ी का सीड है, ये जर्मिनेट हुआ है। ये जो लंबी वाली ककड़ी होती है हमने इस सीज़न में वही बस लगाते हैं। तो ये हमारे चार पॉट्स में ककड़ी के सीड जर्मिनेट हुए हैं। इसमें ये करेला है फ्रेंड्स, ये देखिए ये इधर से फुटाव ले रहा है, ये करेले इसमें दो हमें दिखे थे जर्मिनेट हुए, तो हमने मिट्टी चढ़ा दी है। एक करेला इसमें जर्मिनेट हो गया है और ये हमने आपको दिखाई दिया है चार पॉट्स। एक तोरी इसमें जर्मिनेट हो गई है, और क्या बोलते हैं लौकी के प्लांट्स फ्रेंड्स निकल आए थे ऊपर, प्लांट्स नहीं निकले थे सीड्स निकल आए थे, तो हमने उसको फिर से दबा दिया है तो वो जर्मिनेट हो गए। और ये हमने नीचे कुछ गिलकी के चार बीज और लगा दिए क्योंकि अभी एक ही जर्मिनेट हुआ है, हमको तीन चार पौधे की और ज़रूरत है। तो ये जैसे ही जर्मिनेट होंगे हम आपको इसका भी अपडेट देंगे, इसलिए हमने नीचे रखे, अभी हम इसमें टैग्स लगाना भूल गए हैं। और ये कुछ सनफ्लावर है, अभी आप लोग वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्लावर्स में भी ध्यान देते हैं, तो कुछ अभी आप लोग फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, हम आगे उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये देख लें सनफ्लावर है, ये सनफ्लावर के सीड्स हैं, तो अब हम सनफ्लावर को भी ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स ये अपडेट हो गया, ये ग्रो बैग के ऊपर रखे हुए हैं सारे प्लांट्स हमारे पौधे। और अब हम आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स फाइनली मचान। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा फ्रेंड्स मचान पूरा तैयार हो चुका है। अब ये वाला वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो गया है, आप लोग बस इसमें मचान को देख लें। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।